ये अवार्ड के पार्ट बन के आपने आपको बहुत ब्लेस्ड लकी मिली मानते हैं, और सारे क्रेडिट अभिषेक जी को देते हैं हम। इनको इतना अच्छा से ऑर्गेनाइज किया है और ये ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट बन के हम एक पार्ट हुए, अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं। सर, अच्छा काम करने वालों को जब अप्रिशिएट किया जाता है तो अच्छा काम का तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए। उनकी मोटिवेशन, उनकी इंस्पिरेशन, मोटिवेट माइंड मोटिवेट होते हैं जब आप लोग अप्रिशिएट करते। बाहर से ऑडियंस को जब अप्रिसिएशन मिलते तो ऑर्गेनाइजर को मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट कर हो जाते हैं लोग। नेक्स्ट ईयर भी इसका हम ये विश करते हैं, नेक्स्ट ईयर इसका डबल क्राउड हो और ये पार्ट के हम सब लोग दोबारा यही अवार्ड के पार्ट बना रहे नेक्स्ट ईयर भी। सर, क्या कहना चाहोगे दादा सर फाल्के, इतना आइकॉनिक अवार्ड है, जब आप लोगों को इससे नवाजा जाता है तो कितने प्रोत्साहन होते हैं आप लोग, कितनी खुशी महसूस होती है आप लोग? हम लोग ये अवार्ड की तो स्पेसलेस है, इसका अपने आप को इतना प्राउड फील करते ये अवार्ड की एक पार्ट बन के। हमें पता नहीं था, सडनली एक कॉल आए थे तो अखिलेश जी बताए ऐसा, उन्हें हमारे ऑफिस में भी आए। सारे क्रेडिट हम अखिलेश जी को देते, इतना सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज करके, हमें नेक्स्ट ऑफ इमेजिनेशन, हम इमेजिन नहीं कर पाते इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? आप कम सर, आपका सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा सर के साथ जुड़े रहते हैं, साई की तरह इस तरीके से। हमारी कंपनी की एम्बेसडर है, हमेशा रहेंगे, हमारी कंपनी की ट्रेडमार्क है। इनकी फेस तो इनको हाईजैक करना बहुत मुश्किल होता है, इनको लेके जाना कहाँ छुपा के रखे, कहाँ हाइड करे, कहाँ कहाँ से बार कोड खींच लेते हैं इनकी। इनको लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, रोड पे किधर भी चलना है। लोग तो आप दो शब्द आप बताइए। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मामूली अवार्ड नहीं है, सिर्फ इनका नाम मात्र से हमें अवार्ड मिल जाता है। जिस तरह हम हिंदू धर्म में जय श्री राम बोलते हैं और हमारा पूजा हो जाता है, उसी तरह हमारे एक्टिंग अभिनय की दुनिया में दादा साहब फाल्के का नाम आना ही हमारे लिए सम्मान की बात है। दादा साहब फाल्के अवार्ड कैलाश मासूम जी भी करते हैं, एक आइकॉनिक दादा साहब फाल्के अवार्ड कई अलग अलग लोगों ने किया हुआ है। एक जो मेन दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अभिषेक जी को वो वाला अवार्ड भी मिले और हम लोग उस अवार्ड के लिए भी इसी तरह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। और सर, आप क्या कहना चाहोगे? कभी आप तो इतने बड़े है ही मतलब कंपनी के मालिक, लेकिन कभी फिल्मों में आप कुछ बताना चाहेंगे कि कोई एक्टिंग शाहरुख सर के साथ, सलमान सर के साथ करना पसंद करेंगे आप? एक्टिंग सर, शाहरुख खान बनेंगे सर, खुद ही सलमान खान बनेंगे। अभी हम लोगों की कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। हम सुबह 5:30 हम उठ जाते हैं, 6 बजे 6 to 8 हम डेली हमारा जिम चालू रहता है। KKZ हमारी जिम मेट है, तो तैयारी है मतलब फिर। हम लोग डांस तैयारी, 2 घंटा डांस करते हैं सर, 2 घंटे जिम करते हैं सुबह, 2 घंटे शाम को। तेरेन से लुइस जी आते हैं हमारे यहाँ पे डांस सिखाने के लिए, हमारी डांस मैट प्लस जिम मैट दोनों है। KKZ जी, ओवर टू यू। सर, हमने सुना कि आप फिल्में, आपकी जो कंपनी फिल्म भी बनाती है, तो कौन सी फिल्में आप बनाने वाले हैं, कब आने वाली, कुछ अगर आप बता सके कि अभी सर? ये सारे अपडेट्स प्रेम लता जी के पास है। ये जो हमारी प्रेम लता जी हैं, आईवीरा चैनल, जो आईवीरा न्यूज़ चैनल है, आईवीरा इंटरटेनमेंट है, उसके जितने भी आपके क्षेत्र के जो पत्रकार और PR क्षेत्र के जर्नलिस्ट आप लोगों के लाइन के, यही एडिटर है हमारी प्रेम लता जी, आप ये सब सवाल मुझसे कर लीजिएगा। अभिषेक सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरीके से अगर हम बात करें, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, कई ऐसे कलाकार होते हैं जो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, जिनका फ्यूचर नहीं बनता, लेकिन आप ऐसे लोगों को भी चांस दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कुछ नया देखने मिलेगा? हाँ, न्यू कमर, उनको अपनी और न्यू कमर्स की प्रति हमारी यही है, अपना कॉन्फिडेंट जारी रहे, कॉन्फिडेंट अपना हार्डवर्क करते रहे, स्मार्ट वर्क, तो दे विल इसके ना कभी
आ ही जाते। ट्राई अगर कंटिन्यू करते रहे तो ट्राई का भी मिस आउट नहीं होता है, वो कभी ना कभी दिखाई देता है। कोशिश मैसेज देना चाहिए आप दोनों लोगों को? मैसेज यही देना चाहते, कोशिश जारी रखें। और ये हमारी खुद की लाइफ में हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, ट्राई करते रहे तो ट्राई कभी ना कभी वो रिजल्ट में दिख ही जाता है। अगर 20 times, 30 times, 100 times ट्राई कभी ना कभी दिखे जाते हो, अपने आप को होपलेस ना फील करें, कॉन्फिडेंटली काम ट्राई अगेन एंड अगेन करते रहे और रिजल्ट ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दे तो रिजल्ट आ ही जाता है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ ही जाता है। के के सर आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी बहुत सारे संघर्ष करने के बाद आज इस मुकाम पर हैं। अभी मुकाम पर कहाँ है, अभी तो हमने जीना चलना सीखा है, अभी तो स्ट्रगल करना शुरू किया है, अभी तो मुकाम पर आना बाकी है, बहुत टाइम है, मुकाम पर पहुँचना है और हम लोग संघर्षरत हैं, कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं। अयोध्या सिंह हमारे न्यू कमर एक एक्ट्रेस, उनके एक एक्टर इंटरव्यू कर लो। अयोध्या सिंह बिहाइंड रखो, आजा और ब्यूटीफुल स्टनिंग गर्ल अयोध्या सिंह एक्ट्रेस है, वेलकम टू। थैंक यू। हाय ऑल, आई एम आलिया सिंह। नई फिल्म में आप दिखने वाले सर की फिल्म में, I guess you know this will be a start of my career and it will boom and you all please give me your blessings. I need so ton of blessings of yours and you know I pray to God that this will be a start and not the end of my career. Yeah, that's all I have to say. Thank you so much again. Ma'am, aap अभिषेक सर के लिए क्या कहना चाहेंगे कि काफी लोगों को चांस देते रहते हैं और हमेशा कन्हैया बने रहते हैं वो लड़कियों के बीच में? That's a new statement which I've come across, but yeah, he is a very nice person, he's gem of a person I've come across. See, you know, you see a lot of people, you meet a lot of people, but you know, there are certain people you gel up with, you connect with, and he's the one, Mr. Abhishek Prasad. Thank you. Dil mein mana hai tumhe. Love House mein jaane wale reality show mein. लव हाउस में जाने वाले रियलिटी शो में क्या रोमांस होने वाला है, ऐसी खबर आ रही है आपकी? ऐसे क्या मैंने लव हाउस में? हाँ, लव हाउस है ना, हम उसमें जाने वाले हैं। अच्छा, बुधर फिल्म ना करे, चले चलते और कुछ पूछना है तो फटाफट पूछो। थैंक यू।